नमस्कार एवरीवन, अब हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण ने महिलाओं पर क्या प्रभाव डाला, क्या उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ा। ये यूपीएससी जीएस पेपर वन की दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से समाज में संस्थागत और संरचनात्मक विकास को बढ़ावा मिला है। एक तरफ देखें तो वैश्वीकरण का हमारे समाज में बहुत बढ़ावा हुआ है, विकास की दृष्टि से भी और संरचना की दृष्टि से भी, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करने में ओपन नीति लागू करता है, प्रतिबंधों को कम करता है, टैक्सों को कम करता है, जो नियम होते हैं उनको भी कम करता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत न सिर्फ द्रुत गति से औद्योगिक और आर्थिक विकास की बात की जाती है, बल्कि समस्त समाज के कायाकल्प की बात भी इसमें शामिल है। यह महसूस किया गया है कि वैश्वीकरण के ढांचे के अंतर्गत समाज के उस वर्ग को ज़्यादा फायदा हुआ है जो अधिक योग्य, शिक्षित और सक्षम है। इसके विपरीत वैश्वीकरण का नेगेटिव इफेक्ट वंचित, शोषित और हाशिए पर रहे लोगों को फायदा नहीं हुआ है, किंतु नुकसान ही उनको हाथ लगा है। वैश्वीकरण के दौर में महिलाओं की स्थिति जहां एक तरफ मुश्किल की तरफ बढ़ी है और बढ़ते हुए मशीनीकरण, क्योंकि वैश्वीकरण में क्या होता है कि मशीनों को बढ़ावा दिया जाता है, इससे उनकी नौकरियों में असुरक्षा की भावना, अब उनको कम वेतन दिया जाता है, परंपरागत जो उनका हुनर है उसकी अनदेखी की जाती है, विदेशी कंपनियों की मनमानी शर्तें और उनके समक्ष कानून की असमर्थता आदि परिस्थितियाँ औरतों को न्याय दिलाने में असफल रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत महिलाओं का वस्तुकरण हो गया है। वस्तुकरण का अर्थ है आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनी महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझकर यूज करती है, चाहे वो वस्तु कंपनी के प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करने की बात हो, चाहे लोगों को उसके प्रति झुकाव करने की बात हो, वो सिर्फ महिलाओं को एक प्रदर्शित करने का माध्यम सिर्फ तक ही सीमित रह गई है, समझती है। बड़ी कंपनियां अपनी सेवाओं और वस्तुओं को बेचने के लिए महिलाओं की योग्यता, अक्षमता और व्यक्तित्व का प्रयोग करती है। जो ज़्यादा सुंदर होती है उसको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं ताकि लोग उसकी तरफ ज़्यादा झुकें और उस कंपनी के प्रोडक्ट को उपयोग करें। वैश्वीकरण के इस युग में महिलाओं के वस्तुकरण एवं व्यवसायीकरण को भारत समाज पर पड़े इसके नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों में महिलाएं निर्जनता एवं भेदभाव का शिकार हुई हैं, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ घर तक ही सीमित समझा जाता है। अगर वो बाहर नौकरी भी करती हैं उनको पुरुष के समान वेतन नहीं दिया जाता, पुरुष के समान छुट्टियां नहीं दी जाती और पुरुष के समान कार्यकारी घंटों को नहीं बांटा जाता। एक ही तरह के काम में पुरुष और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आज महिलाओं के श्रम को उत्पादन से सीधे नहीं जोड़ा जाता, इसी कारण पुरुष विशिष्ट हो गए हैं और महिलाएं महत्वहीन रह गई हैं। महिलाएं ज़्यादातर असंगठित संस्थाओं में काम करती हैं। असंगठित संस्थाएं किसको कहते हैं, जिसमें 10 श्रमिकों से कम लोग काम करते हैं, उनको असंगठित या अनरजिस्टर्ड संस्थाएं कहते हैं। इनमें महिलाओं को सुरक्षा की भावना नहीं मिलती, उनका शोषण होता है और नियमहीनता के चलते वे शोषण का शिकार भी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वेक्षण के अनुसार हर वर्ष देश में 1.5 करोड़ लड़कियां पैदा होती हैं, लेकिन उनमें से 25 लाख लड़कियां 15 वर्ष की उम्र तक आते आते मर जाती हैं। इसके कई कारण हैं, उनका शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण। इस कारण समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार है। आज भी महिलाएं श्रमिकों को कम मजदूरी के साथ साथ वांछित अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। इस अधिकार में कुछ भी लगा लो, वेतन का अधिकार, सुरक्षा अधिकार, काम के प्रति घंटों का अधिकार और उपभोक्तावाद के युग में हिंसावाद और यौन शोषण जैसे व्यवहारों में महिलाओं के लिए घातक साबित हो चुके हैं। वैश्वीकरण जहां विकासशील देशों के विकास को सुनिश्चित करता है, वहीं समाज के कमजोर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, को उत्पादित करने का प्रयास करता है। उपयुक्त नकारात्मक के बावजूद वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक पहलुए भी हैं, इनको हम देख सकते हैं। इससे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, चाहे वो देश के सामाजिक
प्रगति में हो चाहे वो आर्थिक प्रगति में हो। इस प्रक्रिया के अंतर्गत महिलाओं के अनुकूल रोजगार निर्माण किए जा रहे हैं ताकि योग्य सक्षम महिलाएं राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। आज महिलाएं प्राचीन टाइम से बहुत ही आत्मनिर्भर है और इसमें हम इसको एक सुधार के तौर पे देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी यूपीएससी, एचपीएससी, एचएसएससी आदि से रिलेटेड जो भी मैटर है करंट से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।